विष्णुपुर में बीती रात भड़की थी हिंसा और हिंसा में मैतेई समुदाय के 3 लोगों की जान चली गई। उपद्रवियों ने मैतेई समुदाय के घरों में भी आग लगा दी थी। इलाके में जबरदस्त तनाव है। मणिपुर हिंसा के बीच विष्णुपुर के लोगों में समाया ड्रोन का खौफ। मैतेई समाज के लोगों के मुताबिक दूर पहाड़ी इलाके से आता है एक ड्रोन और मैतेई आबादी की लोकेशन पता करने के बाद उन पर होता है हमला। विष्णुपुर में ड्रोन मार गिराने के लिए सक्रिय दिखे सुरक्षा बल और विलेज डिफेंस फोर्स के जवान बंदूक लेकर ड्रोन की तलाशी आने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी यहाँ देखा कि एक ड्रोन, हालांकि इनका कहना है कि दरअसल वो पहाड़ों की ओर से भेजा गया है ये जानकारी पता करने के लिए कि स्थानीय लोग जो हैं मैतेई समाज के वो घाटी में कहाँ ये तमाम सारे लोग उस ड्रोन को अब गिराने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी यहाँ देखा कि एक ड्रोन, हालांकि इनका कहना है कि दरअसल वो पहाड़ों की ओर से भेजा गया है ये जानकारी पता करने के लिए कि स्थानीय लोग जो हैं मैतेई समाज के वो घाटी में। विष्णुपुर में ताजा हिंसा के बाद लोगों में आक्रोश है। महिलाओं ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया है। हिंसा में एक कमांडो भी जख्मी है, विष्णुपुर अस्पताल में भर्ती है। हरियाणा के नूह में हिंसा के बाद आज भी बुलडोजर गरज रहे हैं, एक्शन जारी है। तोड़ा गया अवैध निर्माण, एसडीएम का बयान है। नूह हिंसा में शामिल थे इनमें से कुछ लोग। नूह में धारा 144 के बीच आज तोड़ी जा रही अवैध दुकानें, सड़कों के किनारे अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन। नूह के कल नरहर मंदिर के पास पहाड़ से सटे क्षेत्रों में अवैध झुग्गियों पर चला था बुलडोजर। तोड़ी गई थी 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियां। नरहर मंदिर से ही हुई थी हिंसा की शुरुआत। नूह हिंसा मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का भी तबादला, पहले बदले गए थे एसपी। नूह हिंसा मामले में अब तक 101 एफआईआर दर्ज, 202 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। आज तीसरे दिन भी ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का कार्य जारी है। सुबह 8 बजे से 16 सदस्य एएसआई की टीम सर्वे में जुटे हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पेपर वर्क से जुटाए जा रहे हैं साक्ष्य। ज्ञानवापी में एएसआई टीम ने गुंबद और खंभों का किया सर्वेक्षण। त्रिशूल और स्वास्तिक चिन्हों को रिकॉर्ड में लिया गया है। शर्तों के साथ जारी है सर्वे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्ट्रक्चर को नहीं पहुंचना चाहिए नुकसान। ज्ञानवापी में हो रहे एएसआई सर्वे में आज शामिल हो रहा है मुस्लिम पक्ष, कहा सर्वे टीम को करेंगे पूरा सहयोग। कानून अपना काम कर रहा है और हम उस कानून का पालन, हम लोग कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहे थे और उसके तहत अब हम शरीक हो रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है और हम उस कानून का पूरा सहयोग कर। परिसर में सर्वे पर सीजीआई ने कहा एएसआई की रिपोर्ट भेजी जाएगी ट्रायल कोर्ट, उसके बाद जिला न्यायाधीश के निर्देशों का किया जाएगा पालन। आजमगढ़ के बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ काशी विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे। आजमगढ़ से शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने की खबरों पर बोले दिनेश लाल, शिवपाल लड़े या अखिलेश, आजमगढ़ का विकास पहला लक्ष्य है। निरहुआ ने कसा तंज, अखिलेश सिर्फ सपने में और ट्विटर पर जीतते हैं चुनाव, हकीकत में चुनावी जीत के लिए जमीनी स्तर पर करना पड़ता है काम। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन की वर्षगांठ पर किया ट्वीट, प्रदेशवासियों और राम भक्तों को बधाई दी। हाथरस में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रैक्टर और डंपर की टक्कर में 5 लोगों की मौत जबकि कई लोग जख्मी हैं। बिहार के रक्सौल के एक टेंट दुकान में भीषण आग, आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर खाक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। मंडी के पंडोह में फिर से लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने से कई घंटों रहा रास्ता बंद। चमोली में भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। जबकि विकासनगर के एक नाले में बह गई कार और गांव के लोगों ने रेस्क्यू करके बचाई कार सवारों की जिंदगी। ओडिशा में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, वैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। ओडिशा में भारी बारिश के कारण मंदिरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों के रेस्क्यू का कार्य जारी है। एमपी के रायसेन में बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है, बुरास पुल पर चढ़ा बाढ़ का पानी, एसपी ने लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश के कारण बढ़ा है नदी का जलस्तर, लोग खतरे में पार कर रहे हैं सड़क को। दिल्ली में दिखा मॉनसून का असर, कई इलाके जलमग्न हैं, भारी बारिश के कारण सरोजनी नगर मार्केट में भी जलजमाव। उधर बस्ती में ऑफिस से घर जा रही युवती को घात लगाए बैठे कुछ लड़कों ने घेर लिया, किसी तरह पीड़िता बदमाशों के चंगुल से बची, आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस।
थाड़ी में पाटली पाड़ा ब्रिज पर सड़क दुर्घटना में 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, सभी को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। हाथरस में एक ट्रैक्टर ट्रॉली और डंपर में भीषण टक्कर, 5 लोगों की जान चली गई है। हाथरस में कच्ची दीवार ढहने से एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई है, रात में सोते वक्त यह हादसा हो गया। असम के जोरहाट में तीताबर स्टेशन इलाके में लग गई भीषण आग, कई दुकानें क्षतिग्रस्त, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। जबकि मुजफ्फरपुर में ठेला गाड़ी ने महिला को रौंद दिया, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। सागर में अपहरण के आरोपी ने महिला दुकानदार पर फायरिंग कर दी, बाल बाल बची है महिला। तुमकुर में एक गुट ने एक व्यक्ति पर प्रहार कर दिया चाकू, उसे पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। छपरा सदर अस्पताल में इलाज करते दिखे सुरक्षाकर्मी, वायरल वीडियो पर उपाधीक्षक ने जांच करने की बात कही। मोतिहारी में एक प्रेमी युगल को तालिबानी सजा, मां बाप और दादा ने भीड़ के सामने पीटा। मेरठ में तमंचा और चाकू के साथ बाप बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरभंगा में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला के गले से उड़ा दी सोने की चेन, बदमाशों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। झांसी में 3री मंजिल से गिरा युवक गंभीर तौर पर जख्मी। बिहार के शिवहर में संपत्ति को लेकर जीजा ने अपने साले की हत्या कर दी, 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सूरत में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत हो गई, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आरोपी ने युवक की हत्या के बाद उसकी पत्नी से किया रेप, आरोपी गिरफ्तार किया गया है। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 1 लाख के इनामी महिला नक्सली सहित 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव हसीब अहमद के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर किया भद्र टिप्पणी, केस दर्ज। पठानकोट में बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान ने पकड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति, पुलिस पूछताछ में जुटे। पुणे में बढ़ा आई फ्लू का खतरा, शहर में हर दिन मिल रहे हैं 2500 पेशेंट्स। दिल्ली के खुदरा बाजारों में और लाल हुआ टमाटर, टमाटर की कीमतें 200 के पार बताई जा रही हैं। डेंगू के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने पहल की है, हर शुक्रवार डेंगू पर वार मुहिम का किया आगाज। लेह में स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर की पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, कई अधिकारी इसमें शामिल हुए। मोदी सर ने विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत, राहुल की 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाई गई। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने ओम बिरला से मिलने का वक्त मांगा है, राहुल की सदस्यता बहाली पर करेंगे बातचीत। लोकसभा सचिवालय के कानूनी विभाग के पास जाएगा यह मामला, वहां से पहुंची रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे स्पीकर ओम बिरला। सोमवार तक सदस्यता बहाल होने की स्थिति, राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत पर कर सकते हैं चर्चा। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सदन के भीतर की तस्वीर के साथ किया ट्वीट, लिखा आ रहा हूं। भंडारा पार्क स्थित मीसा भारती के घर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, सदस्यता बहाली पर बातचीत हुई। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली पर खड़गे ने सरकार पर उठाए सवाल, पूछा सजा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी तो सांसदी बहाल होने में कितना वक्त लगेगा। राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 24 घंटे में सब कुछ हुआ, अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। राहुल गांधी की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कहा आजादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की पूरी सजा मिली थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं।